11 मार्च को मोदी सरकार ने आखिरकार CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। कई मुस्लिम नेता और विरोधी पार्टियां इसका अभी भी विरोध कर रही हैं। ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा जैसे कई मुस्लिम नेता तो इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही दिन से इसे लेकर साफ कर दिया था कि इस कानून का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। विरोधी पार्टियों पर आरोप लग रहा है कि वो CAA पर मुस्लिमों को भड़का रही हैं। मुस्लिम समाज में फैली अनिश्चितताओं के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि CAA से किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है। कहा गया कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम उनकी नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगा। वो हिंदू समाज की तर्ज पर ही बराबरी के अधिकारों के हकदार हैं। मंत्रालय ने CAA के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग के डर को दूर करने की कोशिश करते हुए ये साफ कर दिया कि इस अधिनियम के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों के समान अधिकार है। ये नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों समेत लोगों के एक वर्ग की चिंता की CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वो अनुचित है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता से संबंधित है। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया था कि चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। उस वक्त भी उन्होंने ये साफ कर दिया था कि CAA पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। ये नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है, जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि भारतीय नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी मुस्लिम प्रवासी समेत कोई भी शख्स मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।